सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आप सबको ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईद मुबारक। आज हम बना रहे हैं ईद के मौके पर शीर खोरमा यानी सेवइयों की खीर, जो कि बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और आसानी से बन जाती है। तो आइए हम बनाते हैं सेवइयों की खीर यानी शीर खोरमा। शीर खोरमा या सेवई की खीर बनाने में जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ये सेवई जो बारीक है और ये मैंने रोस्टेड ली है। आप चाहें तो बिना रोस्टेड सेवई भी ले सकते हैं। ये है शक्कर, जिसको कि हम अंदाज से उसके अंदर जब हम चख लेंगे उसको तब डाल लेंगे 2 या 3 चम्मच, क्योंकि हम इसके अंदर मिल्क मेड भी डाल रहे हैं। ये है मिल्क मेड, मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क मेड लिया है। थोड़ा सा इसमें हम घी डालेंगे क्योंकि इनको हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं करीब 12 से 15। करीब 15 बादाम को मैंने भिगो दिया था हल्के गुनगुने पानी में 2 घंटे। फिर उनको छील के मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है लंबा लंबा। 12 से 13, 13 से 15 जो भी आप चाहें, 10 कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने किशमिश ली है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। ये है पिस्ते, पिस्ते भी मैंने 20 लिए हैं। तो आप चाहें तो मैंने इसको भी भिगो के काट लिया है, आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये पिस्ता, बादाम और किशमिश है। और ये है चिरौंजी, जो कि हम थोड़ी सी उसमें डालेंगे, इसको मैंने भिगोया नहीं है, ऐसे ही रोस्ट करेंगे हम। ये है इलायची, 8 से 10 इलायची को मैंने छील के बारीक बारीक पीस लिया है। और थोड़ी सी केसर उसमें डालेंगे। और मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो फुल क्रीम वाला है, जो कि अच्छा होएगा, गर्म होने पर बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा और इसका खीर हमारी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है गैस ऑन करके, और ये जो मैंने 1 लीटर दूध लिया था उसको मैंने एक बार गर्म कर लिया था। अब मैं इसको फिर से कढ़ाई में डालूंगी। हम इसके 2-3 उबाल अच्छे से लेंगे तो ये दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, और वैसे ये फुल फैट वाला दूध है तो ये जल्दी भी गाढ़ा हो जाएगा। हम इसको उबलने के लिए रख देंगे एक साइड पे, और इसको हम उबलने देंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम रोस्ट कर लेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक मैंने ये पैन रखा है। अब इसके अंदर हमारे जो ये ड्राई फ्रूट है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम घी में। और ये देखिए, मैंने जो केसर रखी थी उसको मैंने थोड़ा से दूध में, हल्के से गुनगुने दूध में भिगो दिया है, और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। और अब हमारे पैन के अंदर घी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच घी डाला मैंने। इसको हम अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। बस हमारे घी जल्दी गर्म हो जाता है। घी गर्म हो गया, ये जो मैंने बादाम को भिगो के काटा था, और आप नहीं चाहें तो ऐसे भी बिना भिगोए भी बादाम को पतला पतला काट के बादाम पिस्ते को रोस्ट कर सकते हैं। ये सॉफ्ट हो जाती है और इसके छिलके उतर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भिगो लिया था। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। ये किशमिश भी हम इसको घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये फूल जाएगी और अच्छी लगेगी ये। और ये पिस्ता, ये भी डाल देंगे। ये जो शीर कोरमा होता है इसके अंदर ड्राई फ्रूट थोड़े ज्यादा पड़ते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो हमारी चिरौंजी है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, कई लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। 1 मिनट तक चलाने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो हो गए रोस्ट, अब हम इनको निकाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच घी डाल के एक पैन में फैला दूंगी, बस इसको थोड़ा चिकना ही करना है, ज्यादा घी नहीं डालना है हमने। अब ये जो हमारी रोस्टेड है सेव, इसको हल्का सा हम इसके अंदर भून लेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये रोस्टेड है, ताकि इसके अंदर भी घी का फ्लेवर आ जाएगा, जो कि खीर में इसमें शीर कोरमा में बहुत ही बढ़िया लगता है। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे हम 1 मिनट इसको, और फिर निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हल्का सा कलर आ गया बिल्कुल, क्योंकि ये रोस्टेड ही थी तो ज्यादा नहीं किया हमने। बस हम मैंने गैस को ऑफ कर दिया। बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारा दूध है जो 4-5 उबाले आ गए इसमें अच्छे से, और ये पहले से एक बार गर्म किया हुआ था। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर, जो हमने रोस्ट करके रखे थे। थोड़े मैं ऊपर से सजाने के लिए रख देती हूँ, बाकी के सारे हमने इसके अंदर डाल दिए। और ये जो इलायची है वो भी हम इसके अंदर मिला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, और इसको हम मिला देंगे। एक दो उबाले पहले ये ड्राई फ्रूट्स के दे देंगे हम, इसमें पक जाएंगे, क्योंकि सेवई तो हमारी बहुत ही बारीक है और वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो पहले ड्राई फ्रूट हमने डाल दिए, एक दो उबाल इसके आ जाएंगे, ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम ये सेवई डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक मिनट ये उबल गया और ये सॉफ्ट हो गए हमारे, क्योंकि मैंने भिगो के ये ड्राई भिगो के रोस्ट किए थे मैंने ड्राई फ्रूट, तो ये हमारे जल्दी सॉफ्ट हो गए। यदि आप उसको बिना भिगोए काट के और रोस्ट करते हैं तो थोड़ा ज्यादा देर उसको पका लें ताकि वो दूध में सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमारे तो ये भिगोए हुए थे तो जल्दी हो गए। और अब मैं इसमें ये सेवई डाल दूंगी, और सेवई हमारी बहुत जल्दी पक जाती है। देखिए इसको अब हम मिला लेंगे, और 2-3 उबाल आने के बाद ये पक जाएगी। फिर इसके अंदर हम केसर डाल देंगे, इसको मैं हिला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट तक पकाने के बाद हमारी ये सेवई भी पक गई है। ये बहुत बारीक है और रोस्टेड है तो बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए पक गई है। अब मैं ये जो मिल्क मेड लिया है वो इसके अंदर मिला दूंगी। पहले इसको मिला के हम थोड़ा चख लेंगे कि थोड़ा सा जितना भी इसमें मीठा कम होगा तो हम 2-3 जो भी 2-3 चम्मच है, जितनी भी हमको शुगर डालनी है तो हम डालेंगे, पहले से नहीं डालेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि हम ये मिल्क मेड इसमें मिला रहे हैं। तो मैं आँच को धीमा कर दूंगी और ये मिल्क मेड ऐसे चम्मच पे गिराते हुए डालूंगी, नहीं तो ये इसके अंदर चिपक जाएगा। कढ़ाई में ऐसे फैलाते हुए डाल लें और हिलाते रहें इसको, नहीं तो ये नीचे पैने में लग सकता है। अच्छे से इसको हिलाते जाएं और इसको डालते जाएं, इससे खीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मिल्क मेड डालने के बाद कंडेंस मिल्क मैंने आंच को धीमा कर दिया। अब ये जो मैंने इसको चख लिया है, अभी इसमें थोड़ी शुगर कम है, ये थोड़ी मीठी होगी तभी अच्छी लगेगी। तब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे, करीब 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं, ये भी काफी फीकी है। आप चाहें तो शुगर फ्री पाउडर, नेचुरा वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो इसमें डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर खजूर भी थोड़े भिगो के और बारीक बारीक ऐसे लंबे लंबे टुकड़े काट के खजूर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप चाहें तो इसके अंदर कैरेमल करके शुगर को पिघाल के कैरेमल करते हैं, जो बाजार में भी मिलती है कैरेमल की भी, कोई सी भी शुगर है वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसकी जगह आप कैरेमल शुगर भी इसका शुगर का भी यूज कर सकते हैं। मिल्क में डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे और आंच को धीमा ही रखेंगे। और अब हमारी शुगर भी गल गई जो हमने डाली थी, इसको थोड़ा हिला लिया और शुगर इसमें मेल्ट हो गई। अब ये जो केसर मैंने भिगो के रखी थी दूध के अंदर, वो मैं इसके अंदर मिला दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा शीर खोरमा यानी सेवई की खीर तैयार है और आप मजे से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बाउल में परोसने के लिए निकाल लेते हैं। और परोसते समय आप चाहें तो इसके अंदर एक बूंद गुलाब जल भी मिला सकते हैं, या फिर गुलाब की पत्तियों से भी इसको सजा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ईद के उपलक्ष्य में आपके लिए शीर खोरमा तैयार है। शीर खोरमा सबको बेहद पसंद आता है, यानी कि सेवई की खीर, जो कि हमारे घर पे भी अक्सर बनती रहती है और सभी को बहुत स्वादिष्ट लगती है। आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे जरूर जरूर इसका लुत्फ उठाइए और इसे बनाइए और खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी और ईद मुबारक।